Hello everybody, Sugandha here. Welcome to my channel. In this tutorial, I'll discuss how to set drawing units in AutoCAD. Drawing units set करने के लिए आपके पास दो तीन options हैं. सबसे पहला option है ये application bar. If you go to this icon, आप इसे open कीजिए. नीचे you have this option of drawing units. अगर आप इसे click करते हो, आपको यहाँ पे units वाला option आ जाएगा. Just click it and the pop-up menu for drawing units will get open. दूसरा option है स्टेटस बार. स्टेटस बार में आप यहाँ पे जाइए, यू विल हैव दिस ऑप्शन ऑफ ड्रॉइंग यूनिट्स. जस्ट ओपन इट एंड यू हैव ऑल द ऑप्शंस ऑफ यूनिट्स. अगर ये ऑप्शन आपको अपने स्टेटस बार में नहीं नजर आ रहा है, मेक श्योर आप कस्टमाइजेशन आइकन पे जाके क्लिक कीजिए एंड सी कि ये जो यूनिट्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे टिक है. अगर ये टिक नहीं होगा तो आपको ऑप्शन नहीं विजिबल होगा. इफ इट इज मार्क्ड टिक, आपको वो ऑप्शन अवेलेबल होगा. Now let's come to the most feasible way of setting drawing units, that is using command. Command ka naam hai units and short key is UN. Just press UN and enter. तो drawing units का जो pop-up menu है वो आपके सामने open हो गया. हमारे पास दो तरह की drawing units है, एक है length type and एक है angle type. Length type के लिए अगर आप ये वाला tab click करते हो तो you can see we have five types of length type units: architectural, decimal, engineering, fractional and scientific. इन पांचों में से जो most commonly used units हैं वो है architectural, decimal and engineering. Now let us see what is the difference between these three. जब भी आपने feet inch में काम करना है, for that we select architectural. अगर आपने metric units में काम करना है, for example centimeter, millimeter, etc., for that we use decimal. एंड अगर आपने फीट इंच में काम करना है उसके लिए इंजीनियरिंग भी यूज होती है. फ्रैक्शनल यूनिट वो यूनिट होती है विच आर इन फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 2x4, 3x6 एटसेट्रा. एंड साइंटिफिक यूनिट्स आर सम ऑफ द यूनिट्स लाइक पार्सेस, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल्स. ये सारी कुछ साइंटिफिक यूनिट्स हैं विच आर नॉट कॉमनली यूज बाय सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स और मैकेनिकल इंजीनियर. सो विल फोकस ऑन दीज थ्री यूनिट्स: आर्किटेक्चुरल, डेसिमल एंड इंजीनियरिंग. Now we have angle type. Angle type में भी पांच तरह की है: decimal degree, degree minute, second grads, radians and survey units. Decimal degree is simple angle unit जैसे 50 degrees, 180 degrees etc. Degree minute second is the unit of angle which is used when we go for survey in civil engineering. जो theodolite है या total station है, ये instruments जो है ये angle को इस unit में measure करते हैं. So, अगर आपने कोई सर्वे चार्ट शीट प्लॉट करनी है, फॉर दैट यू कैन यूज एंगल यूनिट टू डिग्री मिनट सेकंड इफ रिक्वायर्ड. उसी तरह सर्वेज यूनिट भी सर्वे चार्ट शीट के लिए यूज होती है. ग्रैड्स एंड रेडियंस ये भी मैथमेटिकल एंगुलर यूनिट्स है. अगर इनमें से कोई भी ड्रॉइंग के अकॉर्डिंगली आपको कोई एंगल यूनिट यूज करनी होगी, यू कैन चूज. मोस्ट कॉमनली यूज वन इज डेसिमल डिग्रीज. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रिसिजन ऑप्शन हियर. व्हेन आई ओपन दिस टैब, यू सी यू हैव सम ऑफ द वैल्यूज लाइक 0, 0.0 एटसेट्रा. प्रिसीजन है क्या? प्रिसीजन मेनली एक्यूरेसी है. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लाइन ऑफ डायमेंशन 10.345. डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स है. अगर मैं डायमेंशन की लेबलिंग में डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स चाहती हूँ, फॉर दैट आई चूज 0.000. जीरो का मतलब है कि डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट शो नहीं होगी. 0.0 मतलब डेसिमल के बाद 1, 0.00 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, एंड सिमिलरली अप टू मैक्सिमम 8 डिजिट्स वी कैन प्रोवाइड द प्रिसीजन. सेम वेन एंगल, इफ यू हैव एंगल लाइक 10.3, 10.345 एटसेट्रा, यू कैन चूज द प्रिसीजन अकॉर्डिंगली. ये जो इंसर्शन स्केल वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन तब यूज होता है जब हमने कोई ऑटोकैड फाइल इंपोर्ट करनी होती है अपनी ओपन फाइल में. तो जिस भी यूनिट में आप चाहते हो कि वो यहाँ पे आके इंपोर्ट हो, दैट यूनिट इज सेट फ्रॉम दिस ऑप्शन. सो आफ्टर सेटिंग योर यूनिट्स, यू जस्ट हैव टू प्रेस ओके एंड यू आर डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रॉइंग यूनिट्स. इफ यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. थैंक यू.